नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। स्वागत है आप सभी का। आए दिन हम कहीं ना कहीं हमेशा सुनते रहते हैं कि ज़मीन विवाद, कहीं किसका ज़मीन हड़प लिया जा रहा है तो इसका ज़मीन छीना जा रहा है। जबरदस्ती जो ज़मीन दलाल होते हैं लोकल, वो किसी न किसी मंसूबे से आकर के, किसी न किसी तरीके से आकर के जो गरीब लोग होते हैं उनके ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। ऐसा ही एक वाक्य कुछ महीनों पहले हमने आपको दिखाया था, जहाँ पर खाता नंबर 150 हरमू का एक कहानी हमने आपको बताया, जहाँ की 5 बेटियाँ हैं, पिता इनके नहीं हैं, 5 बेटियां हैं और इनके ज़मीन पर एक एकड़ 71 डिसमिल पर जो निजी, जो लोकल, जो दलाल हैं उनकी नज़रें पड़ी तो वो स्टोरी में लाते हैं एक बंदे को इनका भाई बना करके, नाम है किसुन तिर्की। उनसे कहते हैं कि ये इनका भाई है और भाई के नाते ज़मीन पे हक इसका भी है। अब बेबस बेटियाँ लाचार होती हैं, ये कहती हैं कि ठीक है, अगर ये हमारा भाई है या हमारा वंशज में है तो DNA टेस्ट करवाए, साबित करें और उसके बाद अगर साबित होता है तो आप ज़मीन पे हिस्सा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, लेकिन तब तक के लिए जब तक कुछ भी मामला साबित नहीं होता है आप काम नहीं कर सकते हैं। जो लोग आपकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं वे आपके रिश्तेदार हैं या फिर नहीं? रिश्तेदार नहीं, इसके बारे में पूरा बोल। हाँ, तो ये हम लोग कभी जान भी नहीं करें, हम लोग का ससुर सा जान भी नहीं करता था, तो हम लोग कैसे जाने उसको। मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जाता है और जो लोकल दलाल है, जो ज़मीन दलाल है, वो क्या करता है कि ज़मीन पर काम लगवाता है। मैं अपने सबसे पहले तो अपने जो सहयोगी हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ज़मीन पर दिखाएं किस तरह से काम चल रहा था। ये देखिए, ये जो गड्ढा किया जा रहा है यहाँ पे, पूरा नापी तोपी सब कुछ किया जा रहा है। मेरे पीछे इधर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही, जो पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ तक पूरा ज़मीन का मामला है। लेकिन मामला है 1 एकड़ 71 डिसमिल का। यहाँ 1 डिसमिल के लिए लोग जान ले लेते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। ज़मीन चीज़ ही ऐसी है, सोना का भाव गिर सकता है लेकिन ज़मीन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि SC ST ज़मीन है ये। देखिए, ये हम लोग का पुश्तैनी ज़मीन है और बंदना उरांव के नाम से खतियान में दर्ज है। इसमें इसके 3 पुत्र थे, सोमरा, सुकरा, सोहराय। सोमरा और सोहराय नावल थे, सुकरा के 2 बेटे थे, दीवा उरा और डिबू उरा, जिसके हम लोग यहाँ पर सबको वंशज हैं। इसमें यहाँ का गांव का दलाल बोले, जिसका पहले हम नाम ले चुके हैं, जिसका नाम है अजय तिर्की, पिता सोते तिर्की, बसंत मिंज, पिता सुकरा मिंज, अमन उरांव, पिता ललित उरांव, किसुन तिर्की, पिता विश्वनाथ तिर्की। तो ये जो किसुन तिर्की है वो जबरदस्ती जबरन हम लोग का जमीन में वंशज बनना चाह रहा है, जिसके लिए हम लोग उसको DNA का मांग किए हैं हाईकोर्ट से। उसके बावजूद भी जबरदस्ती दलालों के द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है। झारखंड राज्य में कहते हैं ना कि आदिवासी राज्य है, आदिवासी सरकार है, आदिवासी नेता है, स्टार्टिंग से ही 2000 से अगर हम बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी रहे, लेकिन आदिवासियों के लिए हुआ क्या है? सारे नेता आते हैं और कहते हैं कि हम आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई करेंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन बनता कुछ नहीं है। समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं जो ये ज़मीन है ना, ये सोने का अंडा है। अगर आप देखिएगा, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए इधर किस तरह से काम चल रहा है, ये सोने का अंडा है। और रोड से महज 300 मीटर अंदर है, जो मेन रोड है हरमू, जो चौक है, वहाँ से महज 300 मीटर अंदर है। और इस ज़मीन पर अगर आप काम देखिएगा, मैं अपने कैमरा सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उधर थोड़ा सा आप दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ जो ग्रामीण जो जमा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ विरोध में जमा है। जो काम चल रहा था उस काम को रुकवाया गया है। यहाँ पे जो यहाँ के जो दलाल हैं, जो लोग जिन्होंने बेच दिया है ज़मीन, उनका कहना है कि हमने किसी और से ख़रीदा है, हमने बेच दिया है, किसुन तिर्की से हमने ख़रीदा। लेकिन सवाल ये उठता है, जब किसुन तिर्की यहाँ का वंशज है नहीं तो वो बेच कैसे सकता है ज़मीन? और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो इन बेटियों के, इन 5 बेटियों के सपोर्ट में है ज़मीन को बिछाने के लिए। मेरा नाम है अर्पना बाड़ा, मेरा गाँव घर हुआ सुकरुट्टू कांके प्रखंड, सुंदर नगर से हूँ मैं। सुकरुट्टू 11 नंबर वार्ड से मैं वार्ड सदस्य हूँ और साथ में आदिवासी सेना के मैं महिला विंग की महासचिव भी हूँ। ये लोग लगातार 2016 से ये लोग लगातार इस ज़मीन के लिए, लगभग 3 एकड़ ज़मीन है। और ये लोग का जो परदादा थे, क्या नाम परदादा का? बंदना उरांव। बंदना उरांव है इनके परदादा। ये लोग खतियानी रैयत हैं यहाँ के, और लगातार उसके बाद से ये लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ दलाल लोग हैं, अजय उरांव है, अजय तिर्की है, बसंत मिंज है, किसुन तिर्की है, अमन उरांव है। ये लोग यहाँ के हरमू के लोकल दलाल लोग हैं, जो लगातार ये लोग को परेशान कर रहे हैं। ये लोग स्वर्गीय दीबू उरांव, उनके 5 बेटियाँ हैं
और 5 बेटियों में 2 शादी हो गया, ये देख रहे हैं इनकी बेटी लोग हैं। तो कमज़ोर देख के इन लोग को लगातार दबाया जा रहा है, देख रहे हैं। हम लोग इस बार 4थी बार यहाँ पे आए हैं काम रुकवाने के लिए, लेकिन अरगोड़ा थाना कान में जू उसका नहीं रेंग रहा है। इन लोग के साथ बहुत मारपीट भी की गई है। वो लोग महिला जो अभी नया धंधा चालू है ना, महिलाओं को लेके आता है, कब्जा दिलाता है, वो लोग इनके साथ बहुत मारपीट किए। इन लोग को मारे, पूरा शरीर में नोच दिया था, बाल नोचे, मोबाइल को तोड़ दिया गया। और ये घटना सारा लिखित तौर पर अरगोड़ा थाना में है, लेकिन अरगोड़ा थाना कोई एक्शन नहीं ले रही है। यहाँ के वार्ड पार्षद भी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद गलत तरीके से झरी लिंडा जो है ना, गलत तरीके से वंशावली में सत्यापित कर दिए हैं कि किसुन तिरकी ये लोग का वंश में है। तो ये लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं और वहाँ हाई कोर्ट में प्रेयर किए हैं, प्रार्थना किए हैं कि उसका DNA टेस्ट किया जाए कि हमारे परिवार का है तो उनको हम लोग हक देंगे। तो इसके लिए ये लोग केस पिटीशन फाइल कर चुके हैं, अभी एडमिट नहीं हुआ है, केस नंबर नहीं मिला है। जब ग्रामीण इनके साथ हैं तब वो दूर भाग खड़े हुए हैं और अभी जो काम है उसको रोक दिया गया है। मामला बड़ा ही संगीन है और ये गए भी थे अरगोड़ा थाना अपनी शिकायत को लेकर के, SC ST थाना अपने शिकायत को लेकर के गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी संज्ञान वहाँ से नहीं लिया गया है। यहाँ के जो पार्षद हैं, गलती उनकी है, पार्षद का नाम है झरी लिंडा, उनकी गलती है कि उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना कुछ डॉक्यूमेंट चेक किए हुए साइन कर दिया वंशावली में, जो किसुन तिरकी उनके पास लेके गया। आप पार्षद हैं, एक पद पे हैं, आपको नियुक्त हैं, आपको लोगों ने चुना है, आप वहाँ गए हैं बिना किसी निर्णय के, बिना किसी सूझबूझ के, आप कैसे भी किसी को किसी के वंशज में शामिल कर सकते हैं। मेरी बात हुई थी उनसे पिछले बार, मैंने आपको नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क मीडिया के माध्यम से दिखाया भी था, उन्होंने कहा था कि हम जाँच करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मीडिया में एक बार खबर उछल चुका है, 2-3 महीने के लिए शांत हो जाते हैं, शांत होने के बाद मामला फिर से तूल पकड़ता है और धीरे धीरे ये वापस अपने प्लानिंग में लगते हैं। इतना बड़ा ज़मीन है, किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार को बेच देंगे, अच्छा खासा रकम आएगा, ज़िंदगी सेट है, ये सोच है शायद उन लोगों की। लेकिन उनको नहीं पता था कि इस पे जो ज़मीन है, जो बेटियां हैं, वो अड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि जब तक हम हैं इस ज़मीन को किसी और को लेने नहीं देंगे। बड़ा ही सीरियस मुद्दा है इसमें, है कि ये लोग को जान से मारने के लिए भी अक्सर धमकी दी जाती है। इनका एक बड़ी बहन का बेटा है जो 7 बरस का है, उसको भी किडनैप किया गया था। जान जाता है, इनको धमकाया जाता है, इनके बच्चों को किडनैप किया जाता है, छोटा बच्चा है एक, हमें सुनने में आया कि उसको भी उठा लिया गया था और अरगोड़ा चौक के पास उसको छोड़ा गया था। छोटा बच्चा, भोला वाला बच्चा, उसको पानी पीने के बहाने से यहाँ से ले जाता है साइकिल से अरगोड़ा चौक। बहुत सारा चीज़ है और ये फिर से जो ग्रामीण है, इनको ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है बहुत सारा। उस दिन भी मीडिया आया हुआ था जिन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया था, लेकिन हालांकि जिस तरह से कवर करना चाहिए था इस खबर को, उस हिसाब से नहीं हुआ। और आज हम फिर से, हमारे साथ हैं कुछ टीम मेंबर्स, अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल्स के लोग हैं जो इस मामले को उठा रहे हैं, क्योंकि चौक के समीप पे अगर इतना बड़ा ज़मीन है तो आँख में लालच किसी न किसी के तो आएगा ही आएगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। लेकिन हाँ, इंसानियत और सही जो चीज़ है उस पर काम किया जाए। कि जो ज़मीन दलाल लोग हैं, इनको यही बोला गया था और थाना को भी बुला के यही समझौता यहीं पे हुई थी कि जब तक कोर्ट में मामला है, जब तक क्या इसका रिजल्ट नहीं निकलता है, निष्पादन नहीं हो रहा है, आप काम नहीं करेंगे ना हम काम करेंगे। लेकिन लगातार उसके बाद भी देख रहे हैं, इतना बाउंड्री हो गया, ये खुद आ गया, ये लोग लगातार आके रुकवा रहे हैं। लेकिन और यहाँ का प्रशासन देखिए, अगर कल परसों इन लोग को जान से मार दे तो क्या पुलिस बोलेगी कि जाइए CO जगह, जाइए BDO जगह। इन लोग को जब जाती है तो बोलते हैं कि ज़मीन का मैटर है, आप लोग CO जगह जाइए। अगर साबित होता है कि उस DNA में उसका वंशज है तो ले जाए ज़मीन, बेटियों का कहना है। अगर किसुन तिरकी, जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है, अगर उस पर साबित होता है कि वो वंशज है इस ज़मीन का, तो ज़मीन ले जाए, बेटियों का कहना है। लेकिन अगर नहीं होता है तब तक काम आप नहीं कर सकते हैं। आए दिन सुनते रहता ना, आदिवासी का ज़मीन हड़प लिया तो इधर का ज़मीन लूट लिया। अरे भैया, आदिवासी ही आदिवासी का ज़मीन लूट रहा है, क्या कीजिएगा? अब मौन है सरकार, देखते हैं इस पर कौन समर्थन में आता है, इनके कौन खड़ा होता है। प्रशासन तो उम्मीद छोड़ दिया प्रशासन से इन लोगों ने, क्योंकि बार बार ये जाते हैं, डेली जाते हैं और प्रशासन के पास अपना दुखड़ा रोते हैं, रोना गाना गाते हैं। लेकिन प्रशासन जो है, बहरी प्रशासन है, बोलते हैं ना, अंधी भी है बहरी भी है। यहाँ के जो थानेदार हैं उनसे इन्होंने कितना बार, अरगोड़ा थाने के जो थानेदार हैं उनसे कितनी बार इन लोगों ने मिन्नतें कर दी, कितनी बार कि सर देख लीजिए वहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है। वो बोलते हैं कि ठीक है, देखेंगे, लेकिन आज तक देखते नहीं हो। क्या देखते हैं? शायद आजकल रील्स का ज़माना चल रहा है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो रील्स देखते हैं, मौज करते होंगे। काम धाम किसको करना है? लोगों की मदद करनी नहीं है, प्रशासन हो, सरकार हो, लोगों की मदद नहीं करनी है, लेकिन अपना वाहवाही ज़रूर लूटना है इनको। जुड़ रहेगा आप हमारे साथ, क्योंकि हम इस केस से आपको हमेशा जब भी अपडेट आएगा आपको रूबरू कराएंगे, और जब तक इनके साथ न्याय नहीं होता है हम यहीं पर रहेंगे, मतलब इनके साथ रहेंगे।
तब तक के लिए अलविदा। और जाने से पहले एक चीज़ और है, मैं आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करूँगा। जो हमारे आने से जस्ट पहले जो विवाद हो रहा था, उसमें जो अजय तिर्की है, जो यहाँ इनका कहना है कि जो लोकल दलाल है, ज़मीन ब्रोकर है जिसको बोलते हैं, वो किस हिसाब से बहस कर रहा था। हम दावा कर रहे हैं इसमें नहीं है, इसका डीएनए करके दिखाओ। और फिर कैसे कैसे हो जाते हैं डीएनए? कहाँ बैठ गए? कहाँ बैठ गए? तो हम इसका से बैठ गए? कहाँ बैठ गए? तो कहाँ ऊपर में है? तो तुम इसका चिंता हो तो कहाँ को फायदा करने तो इतना करती है? तो हम भी अपना फायदा